हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ारास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पीनट्स चटनी। ये चटनी मैंने बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल में। इस चटनी को हम दोसे के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं, वड़े के साथ खा सकते हैं, जो भी होटल आइटम्स होते हैं जैसे हम घर पर ही बनाते हैं उस आइटम्स ब्रेकफास्ट आइटम के साथ हम इस चटनी को खा सकते हैं। बहुत यम्मी रहती है ये चटनी और इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से ही रहते हैं इसको बनाने में। चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने लिया है पीनट्स, फ्राइड क्रैम्स, दो गार्लिक्स, थोड़ी सी तमरिन, थोड़ा ज़ीरा, करी लीव्स एंड क्यूमिन सीड्स। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लिया है। अब इसमें डाला है पीनट्स, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमें पीनट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसमें हम डालेंगे जो मैंने आपको दिखाया था इंग्रेडिएंट्स में, फ्राइड ग्राम्स, गार्लिक और टमेरिन, ज़ीरा, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा से ऑयल में। और उसमें हमें ऐड करना है 4 ग्रीन चिल्लीज भी, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने इस फल्ली के थोड़े से छिलकों को निकाल दिया है। अब हम इस सारे चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जो भी मैंने फ्राई किया था ये सब कुछ मिक्सर पे ऐड किया है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल सकते हो। देखिए मैंने ग्राइंड किया है और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए चटनी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इस चटनी को तड़का लगाएंगे। देखिए ऑयल हीट हो चुका है, हम इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिल्लीज एंड करी लीव्स, इसको हम अच्छे से फ्राई करना चाहिए। देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको इस चटनी में डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। देखिए हमारी मज़ेदार चटनी रेडी हो चुके हैं। बहुत कम समय में ही ये चटनी बन जाती है। अब मैं बना रही हूँ दोसा। मैंने आज इसको दोसे के साथ बनाया है इस चटनी को। अगर आप चाहें तो इडली के साथ भी बना सकते हैं, वड़े के साथ भी बना सकते हैं। आपको दोसे की रेसिपी भी मिल जाएगी, मेरे वीडियोस पे है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा और वॉच भी कीजिए। मैंने उसमें दोसे का बैटर कैसा बनाते हैं और दोसा कैसा बनाते हैं ये सब कुछ बनाया है वीडियो पे, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। देखिए हमारा दोसा बन चुका है। हम इस दोसे के साथ इस चटनी को खाएँगे। आप डेफिनेटली मेरे इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी और आप इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।